हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं संतोष कुमार, स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नेटवर्क सेक्शन किस तरह से हमारा वर्क करता है, साथ ही साथ उसकी हम वोल्टेज भी आपको दिखाएंगे लास्ट में। तो आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखिए कि एक जो सबसे पहली आईसी आप देखते हैं जहाँ आप एंटीना की वायर कनेक्ट करते हैं, तो हमारा एक वर्गाकार आईसी होता है। उस आईसी में सबसे पहले हमारा जो है टीआरएक्स सिग्नल आता है, यानी ट्रांसमिट और रिसीविंग सिग्नल आता है। और यहीं से हमारा ये सिग्नल क्या होता है, एक अलग अलग बैंड में डिवाइडर होकर के, क्योंकि इस आईसी में जो सिग्नल्स आते हैं वो मिक्स होता है, उसको एक अलग अलग बैंड में तब्दील करके ये सारा का सारा बैंड जो है हमारे WTR के PRX सेक्शन में चला जाता है, जिसको कि प्राइमरी रिसीविंग कहते हैं। PRX मींस प्राइमरी रिसीविंग कहते हैं। यहाँ पे सारा सिग्नल जब चला आता है, उसके बाद यहीं से हमारे PRX की जो सिग्नल है, PRX BBIQ यानी कि एक क्वार्टर फेस में बन करके आपके CPU में चला जाता है। और आप समझते होंगे कि CPU के अंदर में हमारा मॉडम सेक्शन होता है, जो कि इस सिग्नल्स को एनालाइज करके फिर आपके कोडेक सेक्शन को ट्रांसमिट कर देता है। फिर यूजर के द्वारा जो हमारे दिए गए आंसर्स होते हैं वो फिर यहां से हमारा ट्रांसमिट होता है CPU के द्वारा, और ये आपके WTR के ट्रांसमिट वाले पार्ट में आता है। और ये ट्रांसमिट वाले पार्ट से होकर के जो आपकी दूसरी आईसी, जिसको कि आप लोग 4G PA कहते हैं, उस PA में ये सारा सिग्नल हमारा चला आता है, जो कि ट्रांसमिट के सिग्नल्स होते हैं। और यहां से ये लो मिडिल एज, यानी कि लोअर मिडिल और हायर कहते हैं बैंड इसको, लो मिडिल हाई बैंड की जितने भी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को ये कंट्रोल करके यहां आप देख पा रहे होंगे 3G 4G, ठीक है, जिसमें भी हमारा हायर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। ऐसा नहीं है कि 3G 4G हमेशा हायर ही होते हैं, इसके भी तीन क्वालिटी का बैंड होता है, लोअर मिडिल और हायर। ये तीनों बैंड हमारा इस आईसी से होता हुआ, 4G PA से होता हुआ फिर से हमारा इस आईसी में चला आता है, जो पहली आईसी थी U2711, ठीक है। इसमें आने के बाद फिर हमारा ये ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे नेटवर्क चलते हैं। बाद में आप यहाँ एक देखेंगे DRX। अब आप बोलेंगे कि सर इसका इस्तेमाल क्या है हमारे फोन सर्किट में, ठीक है। तो इस एंटीना का इस्तेमाल होता है हमारे जितने भी लोअर टू हायर बैंड होते हैं, जैसा कि आपका वीक नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम भी हमारे इस DRX से होता है। इसको कहते हैं डायवर्सिटी रिसीविंग। डायवर्सिटी रिसीविंग का मतलब होता है कि जब आप लोग नेट एक्सेस करते हैं और उस वक्त आपके कॉलिंग आते हैं, या फिर आप कुछ भी चीज डाउनलोड करते रहते हैं, तो वो सारी चीज जो है हमारा ये DRX से होता है, यानी कि ये एक स्पेशल फॉर रिसीविंग एरिया है। आप समझ गए होंगे कि ये स्पेशल फॉर हमारा रिसीविंग एरिया है, क्योंकि ये जो ब्लू है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, रिसीविंग पार्ट है, और ये जो हमारा है ये हमारा ट्रांसमिट पार्ट है, ठीक है। तो एक हमारा देखिए इधर से रिसीविंग पार्ट है, एक हमारा नीचे से रिसीविंग पार्ट है, और ये हमारा क्या है, ट्रांसमिट पार्ट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे फोन में किस तरह से डाटा को रिसीव किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है। लास्ट में जो आपकी GPS है, जिसको कि ग्लोबल पैकेज सर्विस कहते हैं, यानी कि लोकल नेटवर्क एरिया, जैसे कि वाईफाई वगैरह हो गया, ये सारी चीज के लिए एक अलग से चिप लगाई जाती है और आपके WTR को दिया जाता है। यानी कि WTR को अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे फोन की बीच की एक मिडिल पार्ट है, जो कि हमारे पूरी नेटवर्क सेक्शन और CPU के बीच के मिडिल में ये लगा हुआ होता है। इसीलिए आजकल की जो फोन है, जिसमें जितने भी प्रॉब्लम हो, सर्विस वगैरह की जो फोन्स आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे WTR और HDR को चेंज करने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लेकिन हर बार नहीं होता है, क्योंकि हमें ना इस सर्किट की वोल्टेज के बारे में पता नहीं होता है कि आखिर यहाँ पे जितनी भी चिप लगी हुई है, आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4 चार चिप लगी हुई है, इस चार चिप को चलने के लिए कौन कौन से वोल्टेज की जरूरत है, ये आपको पता नहीं होता। तो इसको वोल्टेज क्या चाहिए, तो चलिए मैं आपको इसके वोल्टेज के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा वोल्टेज चार्ट है, जैसा कि आप देखेंगे U2600 2602 2711 3100, ये टोटल हमारा क्या है, नेटवर्क की वो सारी ऐसी है जिसको की काम करने की एक अलग अलग वोल्टेज की जरूरत है। आप लोग सिर्फ वोल्टेज को देखते हैं, लेकिन इसको ना काम करने के लिए हमारा एक्सो क्लॉक भी चाहिए। अब ये एक्सो क्लॉक क्या होता है, तो इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है कि आपके पावर आईसी के पास में जो क्रिस्टल लगी हुई है, वो क्रिस्टल हमारा एक्सो क्रिस्टल होता है। जब हमारे फोन बूटिंग होते हैं तो उस क्रिस्टल का भी काफी बड़ा योगदान है आपके फोन की बूटिंग में, साथ ही साथ जब हमारा फोन कंप्लीट बूट हो जाता है, उसके बाद वो क्रिस्टल क्या करता है, 19.2 की फ्रीक्वेंसी सेंड करता है आपके WTR को। अगर ये नहीं सेंड होगा तो आपके नेटवर्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आपका सप्लाई भी ओके होगा और आपके नेटवर्क्स
नहीं आएंगे, आगे आप आएंगे जो कि हमारी पीएआईसी है उसको काम करने के लिए। देखिए इस तरह से हमारे तीन सप्लाई की जरूरत है, एक तो चाहिए आपका बीपीएस पावर, आप समझते होंगे बीपीएस, एक चाहिए बीपीए एपीटी। अब ये एपीटी के बारे में काफी लोगों को मालूम नहीं होता है, जिसको कि एवरेज पावर ट्रैकिंग कहते हैं। अगर ये एपीटी भी आपका प्रॉब्लम हो जाए तो नेटवर्क आपका नो सर्विस में चला जाएगा, ठीक है। तो इन चीज की भी काफी डिटेल्स है, पूरी की पूरी एक पेज है, वो भी मैं आपको क्लास के दरमियान बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका L5 1.8 वोल्ट, जिसको कि आप लोग ग्रे लाइन भी कहते हैं, ये वोल्टेज भी चाहिए। साथ ही साथ अब आप यहां देखेंगे आरएफएफई क्लॉक एंड आरएफएफई डेटा, ठीक है। ये आरएफएफई क्लॉक डाटा होता है आपके नेटवर्क आईसी को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। अगर ये क्लॉक और डेटा लाइन ना रहे तो आपके नेटवर्क सेशन कभी नहीं काम होगा। ये क्लॉक डाटा इसमें भी है और दूसरी वाली पीआईसी में भी, यानी कि दोनों में ये दिया जाता है। अगर ये सारी वोल्टेज की चार्ट के द्वारा अगर आप अपने नेटवर्क सेक्शन की डायग्नोसिस करते हैं और इसको चेकअप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क सेक्शन 100% रिपेयर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को कि ये चीज अच्छा लगा होगा, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।